हेलो बच्चों, मैं आरके सर। आज मैं आप लोग को जीरो डिग्री और नब्बे डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताऊंगा, जो एनसीईआरटी 10th क्लास पर बेस्ट है। ये जो जीरो डिग्री से नब्बे डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात है, वह प्रश्नावली 8.2 का आधार है, क्योंकि जब तक आप जीरो डिग्री और नब्बे डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब जीरो डिग्री का मान, तीस डिग्री का मान, पैंतालीस डिग्री का मान, साठ डिग्री का मान और नब्बे डिग्री का मान नहीं जानिएगा, तो वो 8.2 प्रश्नावली 8.2 हल करना बहुत ही कठिन है। तो इसलिए हम इसको प्रश्नावली 8.2 का आधार मानते हैं। चलिए आज सीखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। इसका एक साधारण सा ट्रिक्स है, तरीका है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आराम से बन जाएगा। कहे सबको याद करना उतना आसान नहीं होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको आप फॉलो कीजिए। और जब भी एग्जाम हो तो एग्जाम से पहले थोड़ा सा एक मिनट का समय लगेगा, इसमें एक मिनट का समय लेके रफ में इसको आप याद कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, तो आपको वैल्यू पुट करने में आसान होगा, आप कहीं भी गलत नहीं कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप देख रहे होंगे मैं यहाँ पर थीटा, थीटा मतलब कोई भी कोण का माप ले लेते हैं, जैसे कोई वैल्यू एक्स लेते हैं उसी प्रकार यहाँ थीटा मैं लिया हूँ। यहाँ जीरो डिग्री, तीस डिग्री, पैंतालीस डिग्री, साठ डिग्री और क्या है, नब्बे डिग्री है। अब मैं बताया हूं कि कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है, छह, तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पर। लेकिन एक स्थान मैं यहां खाली रखा हूं, इसका कारण क्या है कि जो हम लोग ट्रिक्स यूज करेंगे उसी ट्रिक्स को मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले यहां पर मैं लिख देता हूं साइन थीटा, मतलब साइन जीरो डिग्री, फिर हो जाएगा आपके पास कोस, फिर आपके पास हो जाएगा टेन, फिर साइन का उल्टा हो जाता है आपके पास कोसेक, फिर कोस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो हम लोग साइन जीरो डिग्री, साइन थर्टी डिग्री, साइन फोर्टी फाइव डिग्री, साइन सिक्सटी डिग्री एंड साइन नाइनटी डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यही हमको सीखना है। तो सबसे पहले ट्रिक्स के लिए क्या कीजिएगा आप, यहाँ ना यहाँ जीरो लिखिएगा, जीरो वन टू थ्री फोर, उसके बाद सबको ना चार से भाग दे दीजिएगा, फोर से डिवाइड कर देना है आपको, बाय फोर बाय फोर बाय फोर और बाय फोर में कर दिया। और इसका अगला काम है सब में क्या डाल दीजिएगा, रूट, मतलब इसका वर्गमूल निकाल देना है, रूट डाल दीजिएगा सब में। मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा कीजिएगा, मैं बहुत धीरे से बता रहा हूँ क्योंकि ये पूरा का पूरा 10th क्लास में काम देगा। इतना करने के बाद इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए जीरो, कोई भी संख्या को चार से भाग दें, मतलब जीरो को चार से भाग दें, मतलब आप जानते हैं कि कोई भी संख्या को जीरो से कोई भी संख्या को भाग देने से क्या होता है, जीरो। जैसे आप जीरो को भाग दीजिएगा तो क्या होगा, चार शून्य शून्य होगा ना, रफ में भी देख लीजिएगा शून्य, तो शून्य का वर्गमूल कितना होता है, शून्य, तो शून्य हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक का वर्गमूल कितना होता है, एक, एक का वर्गमूल एक, फिर चार का वर्गमूल दो, मतलब एक बटे दो। यहाँ पर देखिए इसको काटिए, दो एक दो, दो दुना चार, एक का वर्गमूल ऊपर वाला क्या है, ऊपर में देखिएगा यहाँ पर एक ऊपर है, तो एक का वर्गमूल कितना हो जाएगा, एक, और दो का वर्गमूल तो नहीं आता है, यदि आएगा तो पॉइंट में आएगा, तो एक बटे क्या हो जाएगा आपके पास, दो, एक बटे क्या हो गया, दो। लेकिन दो किस में होगा, रूट में होगा, क्योंकि दो का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा ना, इसलिए रूट में ही रह जाएगा। मतलब साइन पैंतालीस डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, वन बाय रूट टू। आप सिक्सटी का क्या कीजिएगा, देखिए रूट थ्री का वैल्यू तो आप नहीं निकाल सकते, उसको रूट थ्री रहने दीजिए। उसके बाद क्या करना है, फोर का वर्गमूल, चार का वर्गमूल तो कितना होता है, दो, तो नीचे दो, मतलब क्या निकल रहा है, साइन साठ डिग्री का वैल्यू रूट थ्री बाय टू। और यहाँ देखिए चार बटे चार है ना, चार एक का चार, चार एक का चार, तो एक को एक से भाग दीजिएगा तो एक, एक एक का क्या हो जाएगा, एक, तो साइन नब्बे डिग्री का वैल्यू आपके पास कितना मिल गया, एक मिल गया। इस प्रकार जीरो डिग्री, तीस डिग्री, पैंतालीस डिग्री, साठ डिग्री, नब्बे डिग्री का मान निकाल लिए, किसके परिपेक्ष में, साइन के परिपेक्ष में। आप बोलिएगा सर ये जीरो वन टू थ्री फोर को रूट में डाल के क्यों लाए, ये आप हमारा क्या है, ट्रिक्स है कैसे वैल्यू निकाला जाए। अब क्या कीजिए आप, साइन का वैल्यू ले आए ना, तो इधर से लिखना शुरू करना है, इधर से वन से, देखिए यहाँ वन है, मैं यहाँ वन लिख दिया, फिर यहाँ पर क्या है रूट थ्री बाय टू, तो यहाँ लिख दीजिए रूट थ्री बाय टू, फिर देखिए वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू, वन बाय टू, वन बाय टू, यहाँ जीरो है तो यहाँ पर जीरो जीरो डाल दिया, सॉरी जीरो डिग्री नहीं, यहाँ क्या डाल दिया, जीरो, कुछ नहीं मैं किया, यहाँ इधर से लिखा हुआ था उल्टा लिख दिया, एक इधर से एक, एक रूट थ्री बाय टू, रूट थ्री बाय टू, वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू, वन बाय टू, वन बाय टू, जीरो का जीरो, खत्म। अब आना है आपको टेन,
टेन जीरो डिग्री का वैल्यू क्या होगा? आपको मैं बताया हूं पिछला वीडियो में ही कि टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय क्या होता है, कोस थीटा। साइन थीटा बाय कोस थीटा मतलब इस साइन को कोस से भाग देना है, जीरो को एक से भाग दीजिएगा, ऑलरेडी बटे में बटे जैसा साइन दिख रहा है ना। तो एक एग्जांपल बताता हूँ, जीरो बटे एक, तो एक शून्य कितना हो गया, शून्य, यहाँ डाल दीजिएगा शून्य। देखिए एक बटे दो है, एक बटे दो, फिर नीचे क्या है देखिए, रूट थ्री बाय टू, रूट थ्री बाय टू है, इसको हल कीजिएगा तो क्या होगा, नीचे नीचे हर हर कैंसिल, वन बाय रूट थ्री। तो डायरेक्ट हम तो ये रफ में बताए, तो आपको डायरेक्ट सीखना है ये टू टू क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ ये दो दो क्या होगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा एक बटे रूट तीन, एक बटे रूट तीन, एक बटे रूट थ्री हो गया। फिर यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा कट जाएगा ना, रूट टू कटा, वन और वन कट गया, कैसे देखिए, वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू, सॉरी वन बाय रूट टू और वन बाय रूट टू को हल कीजिएगा, रूट टू कैंसिल, एक एक कैंसिल, तो एक बटे एक आएगा, तो क्या हो जाएगा कट छट के एक बटे एक मतलब क्या हो गया एक। फिर देखिए यहाँ पर रूट, यहाँ पर टू नीचे कट जाएगा ना, ये टू कैंसिल, टू कैंसिल, क्या बचेगा रूट थ्री बाय वन, तो क्या कर दीजिएगा यहाँ रूट थ्री, नीचे वन है तो नीचे वन तो हमेशा रहता है, उसको नहीं लिखते हैं। अब यहाँ जीरो है, एक को जीरो से भाग दीजिएगा, देखिए यहाँ पर इसको मैं मिटा दूं, यदि आप एक को जीरो से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, अनंत तक जाता है, इन्फिनिटी अपरिभाषित जिसको बोलते हैं। देख लीजिए जीरो शून्य, यहाँ शून्य हो गया, फिर एक आया, जीरो शून्य शून्य एक आया, एक एक कभी पूरा नहीं हो जाएगा भाग, इसको बोलते हैं अपरिभाषित, इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनिटी, और इसके लिए ये साइन डालते हैं इन्फिनिटी का, है ना, ये हो गया इन्फिनिटी, मतलब एक शून्य का क्या हो गया शून्य कीजिएगा तो ये पूरा का पूरा भाग नहीं जाएगा, इसलिए इन्फिनिटी हो गया। अब जब आप टेन का निकाल लिए तो कोशेक का निकालना बहुत आसान, जैसे उसको लिखे थे उल्टा उसी लिखेगा, लेकिन मैं ना यहाँ से बताना चाहूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन का कोशेक उल्टा होता है ना, साइन का उल्टा कोशेक, तो जीरो का उल्टा क्या होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब अपरिभाषित। एक बटे दो, सिर का पैर पैर का सिर कर देंगे ना, एक बटे दो, तो दो बटे एक मतलब दो, एक बटे रूट टू है तो रूट टू हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए रूट थ्री बाय टू है तो ऊपर कर दीजिए, टू बाय क्या हो गया रूट थ्री, और ये वन है तो एक बटे एक है तो उसको किधर कीजिए क्या होगा वन आएगा, आ गया। तो इस तरह से कोसेक का निकल गया। फिर आइए सेक का, सेक का कैसे निकालेंगे, कोस का उल्टा होता है ना, एक का उल्टा तो एक ही होगा आपके पास, रूट थ्री बाय टू का टू बाय रूट थ्री, फिर देखिए आगे वन बाय रूट टू का रूट टू बाय वन होगा, लेकिन क्या लिखेंगे हम लोग रूट टू, वन बाय टू का तो क्या हो जाएगा आपके पास टू, जीरो का उल्टा इन्फिनिटी, जीरो का उल्टा क्या होगा इन्फिनिटी, ध्यान रखिए। फिर आ गया कोट, टेन का उल्टा कोट ना, तो टेन में जीरो है, जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा आपके पास इन्फिनिटी, और वन बाय रूट थ्री का रूट थ्री बाय वन, तो उसको हम लोग क्या लिख देंगे केवल रूट थ्री लिख देंगे, और ये वन का क्या लिख देंगे वन रूट थ्री, तो नीचे देखिए नीचे ऐसा वन लिख सकते हैं ना, तो वन हो जाएगा रूट थ्री का उल्टा वन बाय रूट थ्री हो जाएगा, वन बाय रूट थ्री। फिर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है जीरो, ध्यान रखिए जीरो का उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा क्या हो गया जीरो, तो इसको अपरिभाषित पढ़िए या इन्फिनिटी पढ़िए एकदम, ये इसको बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, जो मैं मेथड बताया आप सबसे इजीएस्ट मेथड है, इस तरह से बनाइएगा तो आराम से ये बन जाएगा। और मैं थोड़ा सा ज्यादा समय लिया क्योंकि आपको मुझे बतानी है इसलिए, लेकिन इसको प्रैक्टिस करके रखिएगा तो मात्र एक मिनट से थोड़ा बहुत ज्यादा लगेगा और ये आराम से बन जाएगा। तो जब तक इसकी जानकारी आपको नहीं होगी आप प्रश्नावली 8.2 नहीं बना पाइएगा, कभी मिस्टेक हो जाए, कुछ कुछ को तो याद रखना ही पड़ेगा जो बार बार आता है, लेकिन इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं उम्मीद करूँ ये आपसे बन जाएगा और आप इसको अच्छे से यूज कर लीजिएगा जब प्रश्नावली 8.2 बताइए, अन्य एग्जाम के लिए भी क्या होगा उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तो लेकिन मैं रोज बोलता हूँ आज फिर बोल रहा हूँ, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो मिलते हैं नए उमंग जोश के साथ नए वीडियो में, जय हिंद।